सबसे बड़ी खबर मिल रही है, दरअसल बलौदाबाजार कलेक्टर के निर्देश पर अवैध क्लिनिक पर छापेमार कार्रवाई की गई है। शासकीय नर्स जगेश्वर यादव चलाती थी अवैध क्लिनिक। आपको बता दें कि बलौदाबाजार और रिश्तेदार के घरों में चलता था अवैध क्लिनिक। तहसीलदार सहित डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुँच कर कार्रवाई में जुटी हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारा संवाददाता अरविंद मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए। अरविंद, कलेक्टर के निर्देश पर छापामार कार्रवाई की गई है, क्या खुलासे हो पाए हैं? जी अरविंद, तो पदस्थ नर्स नागेश्वरी यादव जो एक अपना अपने घर में अवैध रूप से क्लिनिक का संचालन करती थी, जिसके घर अभी 20 तारीख को एक महिला का नसबंदी किया गया। बलौदाबाजार के पूर्व मोतीवा घर में यह ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन के बाद महिला की स्थिति लगातार बिगड़ती गई और 24 तारीख को उसकी मौत हो गई, जिसके पर मतलब कलेक्टर साहब ने इसका संज्ञान लिया है और उसे करते से कार्रवाई करते हुए आज उसके क्लिनिक को सील किया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।